प्रोडक्शन क्लास दो वीडियोस डालने के बाद हम तीसरी वीडियो डालने जा रहे हैं आपके लिए, स्पेशली फॉर हरियाणा एचएसएससी जीके के लिए। ये आपका हर एग्जाम में आपका हेल्प करेगा, फर्दर जो आपका एचसीएस का एग्जाम आएगा उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ये हरियाणा पुलिस, हरियाणा रोडवेज कंडक्टर्स एंड जो फर्दर जितने भी आपका नोटिफिकेशन है सब, तो उसी सीरीज में ये आज की नेक्स्ट क्लास है। अक्सर बच्चों ने मुझसे कंप्लेंट की है कि सर एक टॉपिक आता है एचएसएससी जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आपका मेले, हरियाणा में कहाँ कहाँ लगते हैं, उसमें से उन मेलों के साथ रेफरेंस पॉइंट में ये जरूर पूछा जाता है कि मेला कौन से महीने में लगता है। तो उसी सीरीज में ये टेबल है आपके सामने जो मैंने बनाई हुई है, भारतीय महीनों के नाम। मतलब ये कि भारत में जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं शक संवत, शक संवत कैलेंडर। इसे इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अब कहानी ये है कि अगर इसे हरियाणा इंडियन गवर्नमेंट ने 22 मार्च 1957 को अपनाया, उससे पहले चलाया किसने? ये 78 एडी में कनिष्क ने चलाया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश। सो स्टूडेंट्स, ये जो कैलेंडर आपके सामने अभी बना हुआ है 12 के 12 महीने, आप इस पर देख सकते हैं। इसको पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना है, मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहला जो शक संवत कैलेंडर यानी कि जिसको राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, उसका पहला जो सबसे पहला महीना है चैत्र, और दूसरी टेबल में आप देखेंगे कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तीसरी टेबल में कौन से महीने कहां से शुरू होता है, क्या डेट है, ठीक है। अब जैसे भारतीय शक संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 महीने होते हैं, और जो ये कैलेंडर आप इस तरफ देख रहे हैं जो हम फॉलो करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसको हम बोलते हैं जॉर्जियन कैलेंडर। तो होपफुली मेरा मानना है शायद आपसे पेपर में पूछा जाए कि वर्तमान का जो महीना है और जो ये दिन है ये कैसे आपके अरेंज होते हैं, तो इसके हिसाब से देखेंगे। यहां पर मैंने रेड मार्कर से सबसे पहले चैत्र का नाम लिखा है, तो भारतीय जो शक संवत है उसका सबसे पहला महीना होता है चैत्र। अब इसकी अवधि 30 दिन भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है। ये 22 मार्च इसका पहला दिन हो सकता है और 21 मार्च भी पहला दिन हो सकता है। अब ये 30 होगा कि 31 होगा ये तय करता है कि वो वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। अगर तो वो लीप वर्ष है तो आपका ऑब्वियस है कि उसमें 31 दिन होंगे, लीप वर्ष नहीं है तो उसमें 30 दिन होंगे। आप लोग एक चीज और देख पा रहे होंगे बड़े साफ साफ, जो पहले 6 महीने हैं उनमें सब में 31-31 दिन हैं और अंतिम जो 6 महीने हैं उन सब में 30-30 दिन हैं। यहां देखिए एक बार, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी के बाद दोबारा फिर मार्च। तो सीक्वेंस में दिन देख लेते हैं 21 21 22 23 23 23 और लास्ट में 20। इस तरीके से ये डेट्स हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि चैत्र के महीने की क्या अवधि है तो आप क्या लिखेंगे, 21 या 22 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक, ये आपका पहला महीना क्या हुआ चैत्र का। उसके बाद है बैसाख, 31 दिन 21 अप्रैल से लेकर और 22 मार्च तक। जेठ, जिसको आप ज्येष्ठ भी बोलते हैं, जेठ बोलते हैं इसे, ये गर्मी का महीना होता है, मई 22 से शुरू होता है। आषाढ़, जिसको साढ़ भी कहते हैं, और एक बात, आषाढ़ और इसी के नाम पर भारत में दो प्रकार की फसलें हम बोते हैं, खरीफ और रबी की फसलें, तो वो भी महीनों के हिसाब से तय होती हैं। श्रावण यानी कि सावन जिसको हम बोलते हैं, जुलाई 23 से अगस्त 23 तक। भाद्र यानी कि भादो, ये नाम आपने सुना होगा, हरियाणवी बोली में इसे भादवा भी कहा जाता है, भादवा याद रखिएगा, भाद्र भादो भादवा सब एक बात है। अश्विन, कार्तिक जिसको कार्तक बोलते हैं, दिवाली का महीना होता है। उसके बाद है अग्रयाना, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, पूस जाड़े की रात होती है, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने एक नॉवल भी लिखा था इसके ऊपर पूस की रात, तो वो पूस की रात का मतलब है कि पूस के महीने की रात, ठीक है। माघ, ये आपका जनवरी 21
लास्ट है फाल्गुन, फाल्गुन का महीना हरियाणा में बहुत फेवरेट होता है क्योंकि होली आपका दुल्हनडी इसी महीने में आता है, जिसकी भाभी है उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये 12 के 12 महीने आपके जोरजिन कैलेंडर के महीनों के अनुसार आपको बहुत काम आएंगे। अब इनका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाएगा देख लेते हैं। एचएसएससी का जो भी एग्जाम अभी होने वाला है, जैसे एक एग्जाम 10 को 17 को होगा सितंबर, ये बेसिकली हरियाणा रोडवेज के लिए है, कंडक्टर्स के लिए। इस क्वेश्चन पेपर में बच्चे जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है या जो अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं, जैसे मेले, कंफर्म मैं बता रहा हूं उनमें से एक ही क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, और क्या कर सकते हैं, वेशभूषा और आभूषण, मतलब हरियाणवी कल्चर में लोगों का पहनावा क्या है, उनके द्वारा क्या वेशभूषा धारण की जाती है, ये सब। और आप क्या कर सकते हैं इसमें, परिवहन व्यवस्था, हरियाणा का इतिहास, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड क्वेश्चंस। प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर फर्स्ट एंड के क्वेश्चंस हमें बताइए एचएसएससी कंडक्टर के लिए, बट ये क्वेश्चंस आपको एक दो दिन में वीडियो बना के अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके दौरान आप इनको याद रखिएगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने लिखे हैं, मेले, व्यक्ति विशेष है, वेशभूषा है या हरियाणा इतिहास है, वीडियो बाय वीडियो एक एक करके ये आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको करना एक बड़ी सिंपल सी बात ये है, ये पूरी की पूरी वीडियो आप आराम से बैठिएगा, इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीजें नहीं ऐड करूं प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉलम में जाके लाइक कर सकते हैं पेज को, और प्लीज इसे शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, और आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही फर्दर वीडियो हम इसमें अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनकी क्वालिटीज को थोड़ा सा और रिफाइन किया जाए। और वो होगी कैसे, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नहीं तब तक हम इसको रिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक और जरूरी चीज, जो बच्चे फेसबुक पे नहीं हैं, फेसबुक पे काम करते हैं या हैं जिनका अकाउंट है, नहीं है तो बना लीजिए, उनको करना यह है फेसबुक पे जाइए, उसमें सर्च ऑप्शन होगा, उसमें डालेगा स्टडी हाईवे, वहां पे जाके आपको उस पेज को लाइक करना है ये, और जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको दो तरीके से मिल सकती हैं। एक तो अगर आप फेसबुक पेज पे लाइक करेंगे तो आपको वहां मिल सकती है, दूसरा यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब जो आपका वेबसाइट है उस पर जाइएगा, उस पर आपको डालना है सेम ही स्टडी हाईवे, उस पर जाइए, क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब के बाद सबसे जरूरी वहां पे एक बेल बनी होगी, उसको ध्यान से देखिएगा, उस बेल को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो या कोई भी नया अपलोड होता है उसके थ्रू आपको पता चल सके। ये बेल इस बात का इशारा होता है कि चैनल पे जितनी भी हरकत होती है वो नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी, जैसे कोई भी अगर आपके मोबाइल में हरकत होती है, कोई भी मैसेज आता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है, सेम उसी तरीके से ये बेल को प्रेस करने के बाद भी आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। फर्दर आने वाले वीडियोस में जो टॉपिक अभी मैंने लिखे थे वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।